आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, इंडियन डिवोशनल बाबा। दोस्तों धार्मिक ग्रंथों में कई महान ऋषियों का वर्णन है। ऐसे ही एक ख्याति प्राप्त ऋषि है दोस्तों वात्स्यायन, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। हालांकि ये ऐसा ग्रंथ है कि जिसका नाम लेने में भी कई ऋषि मुनि या तो कई कॉमन मैन झिझकते हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्यों लिखा गया था और इनके इसके पीछे क्या उनकी रुचि रही थी। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि उनकी मानसिक रुचि ही कुछ ऐसी थी, अलग थी, कामों की रुचियाँ थी कि उन्होंने कामसूत्र की रचना की। हालांकि हम आपको बता दें कि कामसूत्र लिखने वाले ऋषि वात्स्यायन खुद सन्यासी थे और उन्होंने पूरी जिंदगी में भी कभी संभोग का आनंद नहीं मनाया था। तो भी सन्यासी होते हुए भी उन्होंने कामसूत्र की रचना कैसे की, तो आइए आपके सवाल का जवाब जानते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश के समय में वात्स्यायन ऋषि का जन्म हुआ था। हालांकि अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं और उनके जीवन काल का समय भी अलग अलग दिखाया जाता है। कई लोग ऐसे मानते हैं कि नीतिसार के रचयिता कामंदक की जो चाणक्य के प्रधान शिष्य थे वही वात्स्यायन थे और उन्होंने ही कामसूत्र की रचना की थी। कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि सुबोधु के रचयिता वासव दत्ता ही कामसूत्र रचने वाले ऋषि वात्स्यायन थे और उनका एक नाम मल्लनाद भी था। ताकि ऐसा भी कहा जाता है कि वात्स्यायन भी मल्लनाद के नाम से जाने जाते थे। तो उन्होंने कैसे रचना की इस ग्रंथ की? दोस्तों वो कई सालों वैश्यालयों में गए, वो नगर सेविकाओं के साथ और गणिकाओं के साथ वक्त गुजारते थे और उनका अभ्यास करते थे। उनके अनुभव के ऊपर से उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। उन्होंने अपने जीवन काल का बड़ा हिस्सा बनारस में बिताया था और उनका मानना था कि कामुकता के बारे में भी लोग खुल के जानने चाहिए और उनके मन में जो भी सवाल हो उसका जवाब मिले, ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिए। इसी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कामसूत्र की रचना की थी। उनका मानना था कि वो सेक्स यानी कि काम के बारे में लोग पूरी चर्चा कर सके और बेहतर जान सके, इसलिए कामसूत्र की रचना की गई। हालांकि एक सकारात्मक तरीके से देखा जाए तो कामसूत्र आनंददायक विषयों का सुग्रथित ग्रंथ है। दोस्तों तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।